निरंतर प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। गार्जियन स्वरूप है ओंकार सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। और एक बार यहाँ हमारे जिला पंचायत के सदस्य बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हैं, एक जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, दोनों लोगों के नाम पर ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। साथियों, ये चुनावी कार्यक्रम है, लंबे समय से जो हमारे युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग भी हैं, अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर हमको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, और बड़े बड़े मंचों पर भी हम अपनी बात को जनता के पक्ष में रखते रहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे हमारे युवा आश्चर्यचकित हैं, यार ये वही भैया है जिनको हम लोग फेसबुक पर देखा करते थे। हम जानते हैं हमारे 4.5 करोड़ फॉलोअर हैं फेसबुक के, और जरूर इस गांव से बहुत सारे युवा हमसे जुड़े हैं और निरंतर सारे अपडेट को ध्यान में रखते हैं। और 4.5 करोड़ लोग आपके बेटे अरविंद राजभरी के फॉलोअर हैं, तो मेरा मानना यह है कि इस गांव के मैक्सिमम युवा अगर फेसबुक से जुड़े होंगे, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो जरूर अरविंद राजभर को फॉलो भी करते हैं। साथियों, मुझे अपनी विचारधारा, अपनी सोच, जो वर्तमान समय में चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें आप सब भी जानते हैं और आप सबके मन में है कि हमें इस बार किसी भी हालत में इस घोसी लोकसभा से छड़ी चुनाव निशान पर बटन देकर, बटन दबा करके हमको इस बार घोसी लोकसभा से जीतना है। बताइए जीतना है कि नहीं जीतना है, बोलिए जीतना है ना। कितने लोग जीतना चाहते हैं जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। अगर जीतने का जज्बा है तब तो ये भी जज्बा होगा कि जब हम बूथ पर जाएंगे, जब छड़ी का बटन दबाएंगे, तो सिर्फ बटन नहीं दबाएंगे, एक संकल्प लेंगे कि हम बटन जब दबा रहे हैं तो इस देश की तरक्की, इस देश की उन्नति और देश की प्रगति के लिए दबा रहे हैं, तो फिर घोसी लोकसभा का भी उन्नति और घोसी लोकसभा क्षेत्र की प्रगति और घोसी लोकसभा क्षेत्र का विकास भी उससे होगा। साथियों, जब आप चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएंगे, आज विरोधी बहुत परेशान है क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस देश में अगर मोदी जी की सरकार है तो जब देश विकास के रास्ते पर है, वो विकास गतिमान है और एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, आने वाले 2047 तक इस भारत देश को विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत कैसा? विकसित भारत वैसा कि हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, हर महिला की सुरक्षा हो, हर महिला थाने पर पाई जाए। इस देश में जब आरक्षण व्यवस्था चल रही है तो जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार महिलाओं का भी हो जाए, तब जाकर के विकसित भारत का सपना होगा। आज साथियों, भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान देने का काम किया। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकार साथी यहां पर हैं, भारत का संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इस एनडीए परिवार की वजह से, आपके एक एक लोगों के समर्थन की वजह से समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर खतरे में पड़ गया है। साथियों, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब इनको इस जनता ने मौका दिया बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, जब इस जनता ने मौका दिया उन लोगों को इस उत्तर प्रदेश में बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए, जब जनता ने मौका दिया युवाओं के पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार और नौकरी के लिए, तब ये लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके इस प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके निर्णय को, आप सब लोगों ने 2014 में बदलाव की राजनीति किया, जो बार बार होता था, सपा और बसपा बार बार आती थी सरकारों में, और वो इस प्रदेश को ये समझ लिए थे कि हम नहीं तो वो रहेगा, वो नहीं तो हम रहेंगे। लेकिन जब जनता ने निर्णय सुनाया तो ऐसा निर्णय सुनाया कि 2017 में सपा बसपा को उखाड़ फेंक करके और देश और प्रदेश में व्यवस्था
व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार की सरकार बना करके और ये साबित किया, ये तय किया कि इस देश में अगर गरीब रहता है तो उसको भी उसका हिस्सा और अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, शायद इसी की देन है कि आज जिस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हुआ था 2020 में, आपको याद होगा इस देश में एक कोरोना जैसी बीमारी आई थी। कोरोना काल में जिस प्रकार की अफरा तफरी मची थी, पूरी दुनिया डगमगा गई थी कि आखिर इस 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश को कैसे सरकार रोक पाएगी, कैसे व्यवस्थाएं दे पाएंगी, कैसे इनको सुरक्षित रख पाएगा। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार के साथ साथ जनता ने भी सहयोग किया और नरेंद्र मोदी जी की बातों को स्वीकार करते हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था इस कोरोना काल के लॉकडाउन में भी किसी को हम भूखे मरने नहीं देंगे। साथियों, किसी को दवाई के अभाव में मरने नहीं देंगे। तमाम तरह की चीजें हुई, सरकार पूरा युद्ध स्तर पर लग गया और युद्ध स्तर पर लग करके पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर इस देश में किसी ने जनता को सुरक्षित करने का काम किया वो देश भारत देश है। साथियों, जिस देश के हम लोग निवासी हैं, हमें फक्र होता है ऐसी सरकार पर, हमें फक्र होता है ऐसी जनता। साथियों, अगर हर जगह निर्णय बदले जा सकते हैं, हर जगह मोदी जी की सरकार बन सकती है, तो क्या घोसी में सरकार नहीं बन सकती है क्या? घोसी में भी हमें मोदी जी की सरकार बना करके, ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत करके, योगी और मोदी जी को मजबूत करके, आने वाले समय में जो 5 साल का समय मिलेगा, जब आप 1 तारीख को छड़ी के जगह पर आप बटन दबाएंगे, तो 1 तारीख को जब आप वोट देने का काम करेंगे छड़ी पर, और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा, साथियों, जो आपके मन की चिंता है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होता है, हमारा नाम आवाज से काट दिया गया, हमारे गांव की नाली नहीं बन पा रही है, हमारा रास्ता नहीं बन पा